आगे बढ़ेंगे और कुछ और अर्निंग्स के ऊपर ध्यान दे देते हैं। लूपिन के अपने अच्छे नतीजे पोस्ट किए और स्पाइस जेट ने भी अपने रोबस्ट अर्निंग्स पोस्ट किए, लेकिन रिएक्शन जो इनके शेयर्स पर देखने को मिला है वो बिल्कुल उलट देखने को मिला है। दोनों में ही आज 7 से 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। क्या कुछ वजह रही है इस गिरावट के पीछे, जान लेते हैं सुमित से। सुमित बताइए कि क्या कुछ रीजंस रहे हैं, क्योंकि कल इसी वक्त के आसपास लूपिन के नतीजे आए थे और काफी स्ट्रांग रिएक्शन इसके शेयर प्राइस पर देखने को मिला था, लेकिन आज एकदम ऑपोजिट रिएक्शन लूपिन के शेयर पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया साक्षी। देखिए, लूपिन के नंबर्स आए, नंबर्स काफ़ी साउंड थे और नंबर्स के बाद अब जो कंसर्न बाजार को दिख रहा है वो है कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर विजिबिलिटी को लेकर। गोवा यूनिट कंपनी के लिए एक प्रोमिनेंट यूनिट है, करीब आधा हिस्सा जो है कंपनी के कारोबार का गोवा इकाई से आता है और उसको लेकर ऑब्जर्वेशंस जो 9 ऑब्जर्वेशन रेज किए गए थे मार्च में, वहाँ पर USFD का कोई भी जवाब नहीं आया है, उसको बाजार वेट भी कर रहा है। अगर कोई भी कंसर्न वहाँ से उठता है तो बाजार शायद और बड़ा एक रिएक्शन दे सकता है लूपिन को लेकर। दरअसल 115 ANDA फाइल कर रखे थे उस इकाई से, कंपनी के US कारोबार का मेजर हिस्सा जो है वो इसी इकाई से केटर किया जाता है। इसके अलावा नेक्जियम जैसी जो प्रोमिनेंट दवाएँ हैं उनकी सप्लाई भी इसी इकाई से कंपनी करती है, तो ये सभी बड़ी चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए इस इकाई से कंपनी करती है, और अगर कोई भी कंसर्न उठता है तो बाजार इसको एक नेगेटिव रिएक्ट देगा। दूसरा, दो एक्सक्लूसिविटी, दो अगले तिमाही तक इनके एक्सक्लूसिविटी पीरियड चलेगा, अगर वो लैप्स हो जाएगा तो गोइंग फॉरवर्ड उस पर भी कंपनी का खर्चा और बढ़ सकता है। तो ये दो ऐसी चीज़ें इनको बाजार वेट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिसकी वजह से आज गिरावट देखने को मिली लूपिन के शेयर में। रही बात स्पाइस जेट की, स्पाइस जेट के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, आप तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर देखें, क्योंकि YOY बेसिस पे तो नंबर्स ऑन अ प्राइमा फेसी अच्छे ही दिख रहे हैं, घाटे से मुनाफे में कंपनी लौटी है, लेकिन हाँ अगर Q-on-Q बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी ख़राब है। इनपुट कॉस्ट काफ़ी बड़ी है, जिसमें लीज, रेंटल, मेंटेनेंस जैसे जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ख़राब आए हैं, इसकी वजह से भी कंपनी का रिजल्ट दबते हुए, मुनाफा गिरता हुआ दिखाई पड़ा है। इनपुट कॉस्ट भी डबल हुई है, चाहे आप YOY बेसिस पे देखें या सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें, उसका भी इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर है। साथ ही साथ एक 64 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम भी है जिसको भी बाजार ने कंसर्न के तौर पर लिया है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्पाइस जेट का जो शेयर है वो निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी ही जानकारी के लिए। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। ITC के नतीजे कुछ ही देर में आ सकते हैं और आपको बता दें जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं वो ये हैं कि आय में करीब करीब 7% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है, 9,940 करोड़ तक का रेवेन्यूज क्लॉक इन कर सकती है इस तिमाही में कंपनी। साथ ही अगर बॉटम लाइन फ्रंट पर अगर आप नज़र डालें या फिर EBITDA फ्रंट पर अगर आप नज़र डालें, ऑपरेशन फ्रंट पर भी एक अच्छी बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है, 10% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं और यहाँ पर EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी करीब करीब 1% तक का उछाल संभव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर बॉटम लाइन फ्रंट पर अगर आप नजर डालेंगे तो करीब करीब 10% तक का इजाफा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सिगरेट वॉल्यूम्स में किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है। ये देखिए जो एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं 3% तक की गिरावट की आशंका यहाँ पर लगाई जा रही है। साथ ही अगर आप देखेंगे Q4 में जो दाम बढ़ाए गए हैं शायद उससे वॉल्यूम्स को कहीं ना कहीं सहारा मिलता हुआ नजर आएगा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो सकती है और यहां पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इन्हीं पैमानों पर देखना होगा कि किस तरीके से नतीजे आते हैं और कुछ ही देर में ITC के नतीजे आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा FMCG मेजर ब्रिटानिया के भी आज नतीजे आने हैं और यहां पर भी अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बिक्री फ्रंट पर 12-12.5% तक का उछाल संभव है, 2,290 करोड़ तक की सेल्स फिगर्स यहां पर क्लॉक इन करते हुए नजर आ सकती है कंपनी। साथ ही अगर आप EBITDA पर नजर डालेंगे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहां पर 26.5% में इंप्रूव होते हुए नजर आ सकती है और 320 करोड़ तक का EBITDA यहां पर कंपनी का हो सकता है। EBITDA परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी करीब करीब 0.25% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। बॉटम लाइन फ्रंट पर एक बार नजर डाल लेते हैं और यहां पर भी 31-31.5% तक का उछाल संभव है, इस तरीके के एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। अब बात करते हैं पी नोट्स की, क्योंकि FIS पर सेबी ने सख्ती बढ़ाते हुए पी नोट्स के लिए KYC अब जरूरी बना दिया है। इसके अलावा सेबी ने कंसेंट मैकेनिज्म के नियमों में भी बदलाव किया है। पी नोट्स नियमों में बदलाव पर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांता दास का कहना है कि पी नोट्स नियमों को बाजार पहले ही डिस्काउंट कर चुका है और नए पी नोट्स नियमों का बाजार पर नेगेटिव असर नहीं होगा। साथ ही नए नियमों से पी नोट्स खाता धारकों के लिए पूरी जानकारी भी उनको मिलेगी। This is something which I think the market had already factored in, and there were some recommendations which had been received. SEBI's decision of yesterday follows extensive, I repeat, extensive
and detailed consultations and discussion with all the P-note, almost all the P-note issuers. SEBI has only asked that the KYC should be as per Indian onshore KYC. That is because P-notes emanate from many countries where the KYC mechanism and the KYC norms are pretty pretty relaxed and pretty loose, so they need to be as per Indian KYC requirements. वहीं पी नोट्स नियम बदले जाने पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे का कहना है कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसमें एक कुछ खामियां भी थी, इसमें अब्यूज का वो हो जाता है कि उसको अगर कुछ लोग मिसयूज करना चाहे राउंड ट्रिपिंग के लिए, कि अपने पैसा बाहर ले गए और ले आए वापस, और अगर डायरेक्टली आप शेयर खरीदेंगे इंडिया में तो वो आप आपको उसको कल कैपिटल गेन देना पड़ेगा, तो पी नोट के जरिए आई है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम बनाया है, और सिर्फ काला धन का प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, इसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। आप जो दूसरे गलत काम है, ड्रग्स है, टेररिज्म है, इसका भी पैसा इस तरीके से आप जो ये ब्लैक होल कंट्रीज है वहां से आता है। और राइट, चलिए और अब आपको अपडेट दे देते हैं एप्पल सीईओ टिम कुक के इंडिया विजिट पर। अब भारत दौरे पर आए एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आज गुरुग्राम के एप्पल के हेडक्वार्टर्स में दर्शन दिए, और जहां उन्होंने एप्पल के हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में वहां पर विजिट किया, सभी कर्मचारियों से मिले, और आज ही वो भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल से भी मिलेंगे। खबरें इस तरह की भी आ रही है कि कल उनकी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले टिम कुक मुंबई में थे, और साथ ही वो हैदराबाद में भी गए थे। मुंबई में उन्होंने प्रसिद्ध मंदिर सिद्धिविनायक टेंपल में दर्शन किए थे, साथ ही बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के मन्नत घर पर उनका डिनर भी हुआ था। इसके बाद आगे आपको बता दें कि वो कानपुर भी जाएंगे, और वहां पर अखिलेश यादव के साथ आईपीएल का मैच भी देखेंगे। चलिए और अब आगे आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद ओडिशा की तरफ बड़ा चल रहा है चक्रवाती तूफान रुआन। ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ओडिशा में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों ने समुद्र से दूर रहने की यहां पर उनको चेतावनी दी गई है।